आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कुछ इन स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि के मौके पर देश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और गरबे के आयोजन को लेकर आखिर कैसे जिहादी मानसिकता के लोग लगातार इस तरीके के आयोजनों को अपना निशाना बनाते हैं और अपना नाम बदलकर इसमें घुसने की कोशिश होती है। उज्जैन से लेकर इंदौर तक ऐसी दो घटनाएं अलग अलग सामने आई हैं, जिसके बाद इन भाईजानों को पकड़ लिया गया और कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, दिखाते हैं। नाम बदलकर गरबा पंडाल में जब ये शख्स घुसा तो उसकी कुछ इस अंदाज में पिटाई हो गई। पुलिस के सामने ही समुदाय विशेष के युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। जिस शख्स को गरबा पंडाल आयोजक घसीट कर ले जा रहे हैं, इस शख्स का नाम फिरोज खान है। लेकिन फिरोज खान राहुल बनकर उज्जैन के गरबा पंडाल में दाखिल हुआ। मौके पर मौजूद गरबा पंडाल के आयोजकों को जैसे ही गरबा पंडाल में संदिग्ध रूप से घूम रहे फिरोज खान पर शक हुआ, उसे धर दबोचा गया। उसके बाद शुरू हुई उससे पूछताछ। काफी झूठ बोलने के बाद जब फिरोज ने सच उगला और अपनी असली पहचान बताई तो उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त गरबा पंडाल में उज्जैन पुलिस के जवान भी मौजूद थे, इसीलिए गरबा आयोजकों ने फिरोज नाम के शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन फिरोज के असली मंसूबों का खुलासा तो अब हुआ। फिरोज की जब तलाशी ली गई तो उसके जेब से आपत्तिजनक सामग्री निकली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि इंदौर में भी ऐसी ही वारदात देखने को मिली। इंदौर के गरबा पंडाल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शक के आधार पर रोका तो अपना नाम पंकज बताने लगा, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो नकली पंकज ने अपनी असली पहचान बता दी। पता चला ये पंकज नहीं, ये तो आसिम है। क्या नाम है तेरा? आसिम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काय के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। कौन से गरबा में? ये TCL गरबा में। और कितने लोग? चार लोग थे हम, पांच छह लोग। और कहाँ है? बताया जा रहा है कि आसिम के मोबाइल में लड़कियों से अश्लील चैट भी मिले। गौरतलब है कि नवरात्रि के मौके पर देश भर में गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी गरबे की आड़ में नाम बदलकर घुसने वाले संदिग्धों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल उज्जैन और इंदौर पुलिस ने फिरोज और आसिम दोनों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू संगठनों की सख्त चेतावनी के बावजूद भी गरबा पंडाल में घुसने के पीछे आखिर इन लोगों का क्या मकसद था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर दुर्गा पंडाल में एक मामूली बात पर कहासुनी हुई, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ गया कि कुछ लोगों ने एक प्रयोग करने की कोशिश की। रात के वक्त पत्थर लेकर के पहुंच गए, लेकिन अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो सोचिए कितना बवाल मच जाता। इनकी ये साजिश सफल होती उसके पहले ही कैसे उसे असफल कर दिया गया, मंशा क्या थी, इस रिपोर्ट में समझाते हैं।
देर दुर्गा पंडाल पर हंगामे किए। तस्वीरें 9 अक्टूबर की रात की हैं। देखिए कैसे कुछ लोगों को नवरात्रि से इतनी दिक्कत है कि हंगामा करने पर उतारू है। ये लोग तो तोड़फोड़ करने पर भी आमादा है। हंगामे की तस्वीरें गोंडा के मस्कनवा बाजार की हैं, जहां सिर्फ इस बात पर ईंट पत्थर चलने लगे कि दुर्गा समिति ने दुर्गा पंडाल के बाहर पटाखे कैसे फोड़ दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग हाथ में ईंट पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए और दुर्गा पंडाल समिति के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि गोंडा के मस्कनवा बाजार में जिस जगह माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसी पंडाल के आसपास समुदाय विशेष के लोगों के 3 घर हैं और इन परिवारों को इस बात पर आपत्ति है कि वहां दुर्गा पंडाल क्यों बनाया गया। बस इसी बात को लेकर बुधवार को झगड़ा शुरू हो गया। जो दुर्गा पूजा प्रतिमा पंडाल है, उसके आयोजकों की समिति के द्वारा दूसरे पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाना छपिया पर प्राप्त कराया गया, जिसके संबंध में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रकरण के संबंध में नामजद एक आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने रात में ही हंगामा करने वालों को दो टूक समझा दिया कि अगर एक्शन हुआ तो फिर रिएक्शन भी देखना, और ये बात उपद्रवियों को समझ आ गई। उपद्रवी जिस तैयारी के साथ आए थे वैसे ही लौट गए और मामला शांत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बाबा कर रहे हैं इंसाफ और अपराधियों का सफाया। व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी, वो बदमाश मौके पे घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश पूरी तरीके से साफ है कि कोई भी अपराधी जो है वो नहीं बचना चाहिए, और इसके लिए अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है। एनकाउंटर जो है वो लगातार पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर करती है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की आप यहां पर बात कीजिए, जहां लगातार कैसे अपराधियों का सफाया हो रहा है, देखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी पुलिस किसी भी बदमाश को बख्शने के मूड में नहीं है, यही वजह है कि शहर शहर एनकाउंटर हो रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों पर पुलिस का कहर बरपा है। लंगड़ाकर चल रहा यह आरोपी गौ तस्कर है, जो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये लोनी इलाके का जाना माना बदमाश है, जिस पर गौकशी से जुड़े कई मामले दर्ज थे। जो चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागता है, तब पुलिस टीम पर लौटकर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें इस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगती है। इस व्यक्ति के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली का खोखा बरामद हुआ है। गाजियाबाद की पुलिस ने दो और बदमाश को हिंडन बैराज के पास से गिरफ्तार किया है, जो लूट और चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे और दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे। आखिर में ये भी पुलिस के चंगुल में फंसी गए। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दी थी, जिसके जवाब में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश राकेश राजभर है, जिस पर 25,000 का इनाम था। मुखबिर की खबर पर मऊ पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी ये बदमाश भी वहीं आ गया। इसी दौरान पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राकेश राजभर, इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, एक मोटरसाइकिल सुपर स्पेंडर और